अरे वाह, लुक हियर, किज यू लुक हियर, देख ना ना अभी नहीं हुई थी। ए बुद्धू, अरे अरे खो गया मेरा बच्चा, टोपी में खो गया, टोपी में खो गया। किशु ने आज हेलमेट पहन लिया है क्योंकि ये क्रॉलिंग प्रैक्टिस कर रही है तो इसका सिर ना लगे। हाँ किशु, दादाजी की कैप पहन ली आपने, चलो आगे बढ़ो। अब बाय किशु, बाय बाबा, मम्मा जा रही। चलो शाम को मिलते हैं, ठीक है, बाय। चलो मारती हूँ, ठीक है, ओके बाय। किशु, किशु ये देखो, ये क्या नींद में भी मुस्कुरा रही है। किशु आज वैक्सीनेशन है आपका, वैक्सीनेशन वाले दिन मैडम आराम से सोइए वरना ये सोए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बिट्टू, गुड मॉर्निंग किशु। मम्मा क्या बोलती मम्मा? बोलती गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रांचली व्लॉग्स। क्या बोलती मम्मा? ऐसे बोलती, बोलो बोलो, गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ आज मम्मा घर में, मम्मा घर में आज, अच्छा लग रहा है आपको? किशु खुश हो रही कि आज मम्मा जा नहीं रही है। किशु का आज है वैक्सीनेशन और दिन ये सुबह 8 बजे उठ जाती है, मतलब मेरे ऑफिस के ऑफिस जाने से पहले उठ जाती है, और आज ये 9 बजे तक सो रही थी। वो भी ज़बरदस्ती उठाया कि उठ जा बाबू, नहाना धोना है फिर सुई लगानी है। तो आज इसके हम 6 मंथ वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, तो अभी मैंने किसी को बोला है, वो पता करके बताएंगे कि क्या वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है। तो बस जैसे ही हमें पता चलता है कि क्या है पोजीशन, तो हम इसको फटाफट तैयार करके निकलेंगे। पहले से नहलाना भी है, तो वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है कि पैरों में स्वेलिंग आ जाए, मतलब जहाँ पे वैक्सीन इंजेक्ट करेंगे उधर। ये देखो मेरे बच्चे को मेरे पे पाल आ रहा है, मेरे बेबी को मेरे पे प्यार आ रहा है। मम्मा घर में आज, मम्मा 3 दिन तक घर में, मम्मा की 3 डेज हॉलीडे। तो अगर स्वेलिंग आती है तो फिर उस केस में 2 दिन तक लगभग इसको मालिश नहीं हो पाएगी। कुछ ऐसा भी रहेगा आज का दिन, हाँ आपको अपडेट करते रहेंगे और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। स्माइल। अभी 20 सितंबर को ये एक इशू हो गई है पूरे 6 मंथ्स की, और क्योंकि उस समय मेरा ऑफिस वगैरह था तो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो अगर रात तक ठीक हो जाती है तो कल प्लान करेंगे कुछ अच्छा सा, और उसके बाद भी छुट्टी है तो जो भी रहेगा अकॉर्डिंगली बैक टू बैक 3 दिन मैं अच्छे से व्लॉगिंग कर सकती हूँ। और ये देखो इसे किशु, आपके ऊपर वाले टीथ आ रहे हैं किशु। नहीं कैमरा नहीं बेटा, अब भी से कैमरा नहीं, आपको भी करनी है व्लॉगिंग, व्लॉगिंग करनी मेरे बिट्टू को। आजा मेरा दुगड़ू, 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 आजा, आजा, आजा। We'll be right back.
देखेगी दादाजी को, हाँ कि मेरे को उठाओ वहां देख उठाओगे। दुल्हन ये मेरी दुल्हनिया, आ मेरी दुल्हनिया, हाँ शेरवार ही मेरी दुल्हन है, मेरी दुल्हन शेरवार है, वो मेरी दुल्हन, ये मेरी ब्योली, आ मेरी ब्योली। किशु इधर है मम्मा, इधर इधर, हाँ कहाँ है मम्मा? तो किशु को लेके निकल गए हैं हम लोग वैक्सीनेशन के लिए और सभी जा रहे हैं, दादा दादी मैं और किशु, बस ऑटो आने ही वाला होगा, बुला ली तो लग गया इसको वैक्सीन और बस थोड़ी देर के लिए रोई 3-4 seconds और ये तो ब्रेव गर्ल है, तो हाँ उन्होंने कहा कि फीवर भी नहीं आएगा और पैर नहीं ये फ्लू का है ना। हाँ ये क्या लगा, क्या है आप अपने पैर में, ये पैर में क्या लगा दिया डॉक्टर अंकल ने, क्या लगाया डॉक्टर अंकल ने? तो किशु हमेशा की तरह कुछ सेकंड्स के लिए रोई और फिर एकदम चुप हो गई थी, ये मेरा इतना अच्छा बचा। बस किशु अब नेक्स्ट मंथ दोबारा जाना है, ठीक है? इधर देखो किशु, इधर देखो, इधर देखो, दिखाओ तो क्या है ये, क्या बना है इसमें? अरे इसमें तो कुछ बना है, घुघुती बसूती क्या खांदी दूध भाती, घुघुती बसूती क्या खांदी दूध भाती, घुघुती बसूती क्या खांदी दूध भाती। किशु को आज सोना नहीं है, मम्मा और दादी को थोड़ा रेस्ट करना है, लेकिन ये देखो किशु की मस्ती, मजा आ रहा है, मम्मा झूला झुला रही है गोदी। हाँ ये देखो ना ना आज वाले में बुखार नहीं है, लग रहा है इसको देख के इसका वैक्सीनेशन हुआ है ये। उस टाइम के कैसे करा? सो गई दादी, सो गई किशु की, कहाँ गई दादी, दादी कहाँ गई, कहाँ गई बेबी? ओ मेरा बेबी, उठ गए सो क्या आप किशु, उठ गए सो क्या आप, कैसा लगा नींद आई अच्छे से? हाँ अच्छे से आई नींद। किशु सब देख रहे हैं आपको, आप दादू को मार रहे हो, आपको सब देख रहे हैं। किशु लुक है, तो गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा बैगन और ये मैं पहली बार बना रही हूँ, अभी मैंने YouTube में रेसिपी देखी है तो आज ट्राई कर रहे हैं। इसमें आधा काम पापा ने कर दिया है, मतलब वो जो तो दिखाती हूँ अभी आपको क्या क्या हुआ है, तो थोड़ा पापा करके चले गए हैं अभी, अभी रेस्ट जितना बचा है मसाला वगैरह और ये सब कोटिंग वो मैं कर दूँगी। तो ये मैंने धनिया पाउडर ले लिया है काफ़ी अच्छे अमाउंट में क्योंकि भरवा बैगन बनाना है, हल्दी थोड़ी मिर्च, मिर्च कम डालेंगे हम क्योंकि मम्मा मिर्च बहुत कम लेती हैं, तो थोड़ी सी मिर्च ठीक है, ये वैसे भी देगी मिर्च तो इसमें फ्लेवर कम ही आएगा, बाकी आप अपने हिसाब से इसे चटपटा बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डालने वाली हूँ नमक, हम कम डालेंगे क्योंकि पहले ही इसमें नमक है, ये पापा ने क्या किया था कि पानी और उसके सॉरी तेल में इसे थोड़ा सा 40% कुक कर दिया है और इसके 4 स्लेट करे और उसमें नमक डाल दिया, तो ये पापा रेडी करके चले गए हैं, अभी मैं मसाला बना करके इसे भूनने का काम मैं करने वाली हूँ। और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये भुना हुआ चने का पाउडर और इसके बाद मैंने इसमें डाली है दही,
यही सरसों का तेल जो फ्राई के लिए करा था, ये थोड़ा सा इसमें तेल डाल देंगे और बस इसका मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा ड्राई साइड ज़्यादा रखूँगी और इसमें ये ऐड करके हमने क्रश किया हुआ, क्रश करेंगे पापा इसे। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट तो दुगना हो जाएगा ऐसे ना। ये भर दिया इसमें, पहली बार बना रही हूँ मैं तो। तो यहाँ पे पापा ने पहले तेल में टमाटर कुक कर दिया अच्छे से और मेरे ख्याल से उसका तेल छूटने लगा है क्या? तो थोड़ा सा जैसे ही तेल छूटने लगेगा हम इसमें ये जो बचा हुआ भरवा है, जो मसाला बचा हुआ है, वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने ये बैगन भर के रख दिए हैं यहाँ पे मसाला। तो ये ग्रेवी भी बन सकता है, जिसको ड्राई खाना है वो ड्राई भी खा सकते हैं। ये ग्रेवी रेडी हो गई है और अब हम इसमें डाल देंगे ये बैगन। ये देखो ये रात को क्या बनी हुई है। हाँ मजे आ रहे लुकु आ रहे देख रहे हो क्यों हंस रही? अब पता चला मुंह में छुपाया हुआ है, हटाओ इसे। गया ले गई दादी, ले गई दादी।